तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने आप सभी को इसमें थंबनेल के माध्यम से बताया है, यहाँ पर राशन कार्ड में किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने के लिए या राशन कार्ड में किसी अन्य व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का नाम सुधार करने के लिए, यानी कि राशन कार्ड में आपका नाम है या गलत हो गया है तो सुधार कैसे करेंगे। साथ ही साथ में आप सभी को यहाँ पर अगर राशन कार्ड में अगर किसी नए व्यक्ति का नाम जोड़ना चाहते हैं, जैसे आपका किसी ओल्ड राशन कार्ड है उसमें अगर आप नाम जोड़ना चाहेंगे तो उसका कैसे जोड़ेंगे, उसका मैं सारा जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आप सभी को पिछले वाला वीडियो में बताया था आप सभी को राशन कार्ड ऑनलाइन करने के लिए, जिनका पहले से किसी भी राशन कार्ड में नाम नहीं है या नाम राशन कार्ड में जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो उन सभी का नए राशन कार्ड बनाने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया था और साथ ही साथ मैं डॉक्यूमेंट क्लियर कर दिया था उसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और किनका किनका क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो उसमें संपूर्ण जानकारी दे दिया था। अगर आप राशन कार्ड ऑनलाइन करने वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर आप वीडियो देख लेंगे और देखकर अपना घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर नए राशन कार्ड बनाना चाहते हैं जिनका। अगर आप राशन कार्ड पहले से बना हुआ है जिनका, उनमें किसी का नाम गलत हो गया है या किसी का सुधार करना है, ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति का नाम उसमें ऐड करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हटवाना चाहते हैं, यानी राशन कार्ड में पहले से आपका नाम है, आप अगर नाम अपना उस राशन कार्ड में हटवा कर अगर नया बनवाना चाहते हैं तो आपको नाम कैसे हटेगा वहाँ पर, उसका संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक पेपर कटिंग है तो उनका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है पहले मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूंगा, इसके बाद आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा हमें और कहां से अप्लाई होगा और कहां जाकर हमें फॉर्म को जमा करना होगा कि कैसे हमको अप्लाई होगा और किन किन व्यक्ति को वहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पहले मैंने एक ब्लॉग पर गया था और ब्लॉग के माध्यम से वहाँ पर देखा था जो ब्लॉग पर ये साटा हुआ था। साथ ही साथ मैंने ब्लॉक वाले से बात किया था जो राशन कार्ड के बारे में, तो वहाँ पर यह बताया गया था प्रपत्र ख भरने के लिए राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने के लिए, यानी कि नया नाम जिनका जोड़ना है या सुधार करवाना है तो उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जैसे कि आवश्यक कागजात जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नाम जोड़ने वाले सभी व्यक्ति का आधार कार्ड, ठीक है, और पूर्व में निर्गत राशन कार्ड जो यानी कि पिछला जो राशन कार्ड बना है उसका फोटोकॉपी चाहिए, साथ में नाम जोड़ने वाले सभी प्रत्याशियों का समूह में फ़ोटो चाहिए, यानी कि जितना व्यक्ति का नाम पहले से अवेलेबल है, यानी कि जो पुराना राशन कार्ड है आपका तो पुराना राशन कार्ड में आप और भी व्यक्ति का नाम अगर जोड़ना चाहते हैं तो उनका यहाँ पर सभी का फ़ोटो लगेगा, यानी कि जो पहले से नाम अवेलेबल है जिन व्यक्ति का और साथ में जिनका नाम जोड़ना चाहते हैं उन सभी का अटैच फ़ोटो चाहिए एक ही साथ में। आपको फ़ोटो वहाँ पर तीन फोटो लगेगा वहाँ पर, साथ ही साथ में आवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा, यानी कि जो मेन मेंबर होंगे यानी कि मेन जो मुखिया के रूप में होंगे उस राशन कार्ड में उनको वहाँ पर स्वयं जमा होना यानी कि जाना होगा और यहाँ पर आवेदन जमा करना होगा आपको उपस्थित होकर यानी कि ब्लॉक में। अब मैं बता रहा हूँ कि प्रपत्र ख कहाँ से मिलेगा, तो प्रपत्र ख भरने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस वाले पत्र को डाउनलोड करके आप भर के आप जमा कर सकते हैं जाकर। तो प्रपत्र ख कैसे भरना है और क्या क्या उसमें जानकारी भरना है, प्रपत्र ख इस तरह से आपको दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा लोकसभा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्यमान राशन कार्ड में उपरांत अथवा विद्यमान राशन कार्ड के प्रत्यंत यानी कि सरेंडर रद्द करने के लिए, यानी कि सुधार करने के लिए, जोड़ने के लिए या रद्द करने के लिए कैसे होगा, तो यहाँ पर सभी डिटेल दिया गया। यहाँ पर आपको फोटो चाहिए, इसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम यानी जो मेन मेंबर है उनका नाम, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, इसके बाद आवेदक का पति या पिता का नाम डालेंगे, पूर्ण आवासीय पता डालेंगे यानी कि जो आपका एड्रेस होगा, विद्यमान राशन कार्ड की संख्या डालेंगे जो राशन कार्ड के नंबर है उसको डालेंगे, इसके बाद संबंध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम यानी कि जहाँ यानी कि राशन लेते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर विद्यमान राशन कार्ड में उपरांत कारण डालेंगे यानी कि क्या कारण है कि आप जुड़वाना चाहते हैं, रद्द करवाना चाहते हैं या अन्य कोई सुधार करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कारण दिया गया है। विद्यमान राशन कार्ड में उपरांत विवरण दिया गया है यानी कि जो जो का नाम रखना है, जो जो का नाम डलवाना है इसमें यानी कि ऐड करवाना है, सभी का नाम यहाँ पर लिखेंगे या तो जिसका कटवाना है उसका नाम लिख देंगे यहाँ पर, सब यानी कि जितने मेंबर होंगे उनका पहले सबका नाम लिख, यहाँ पर सभी डिटेल दिया गया है। नीचे आएंगे यहाँ पर आपका सभी डिटेल यहाँ पर पढ़ लेंगे क्या क्या डिटेल दिया गया है, आप यहाँ पर पूरी तरह से वीडियो को पॉज करके और यहाँ पर चेक कर लेंगे, पढ़ लेंगे और हाँ नाम यहाँ पर अपना डिटेल भर लेंगे। तो इस तरह से आप अपना इसको डिटेल को पूरा भर लेंगे, डिटेल भरने के बाद आपको ब्लॉक में आपको जमा ही कर देना है, यानी कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर यानी कि सभी डिटेल जितने भरने हैं भरने के बाद आपको ब्लॉक में ही सब काम होगा, ये सब सारा भी काम होगा जमा करने के लिए या सुधार करने के लिए या जोड़ने के लिए या पुराना राशन कार्ड है उस कार्ड में जोड़ने के लिए या सुधार करने के लिए, सभी काम आपको ब्लॉक में ही होगा, तो आपको ब्लॉक में जाकर ही करवाएंगे। ब्लॉक में आवेदन इसका शुरू हो गया है,
तो आप जाकर ब्लॉक में एक बार पता कर लेंगे और वहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे और वहाँ पर अपना सभी कंप्लीट करवा लेंगे। तो यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मन में किसी भी तरह का अभी भी सवाल है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।